हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी जो वीडियोस चल रही हैं सारी साइकोलॉजी और पेडागोजी की, आप प्रीवियस वीडियोस सारी चेक कर सकते हैं थ्योरीज से रिलेटेड, और बाकी जो हम अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, तो ये सारी थ्योरीज आपकी पेडागोजी के अंदर आती हैं, प्लस साइकोलॉजी में भी आती हैं। और उसके बाद हम पॉलिसीज़ वगैरह स्टार्ट करेंगे जो आपकी केवल पेडागोजी के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। देखिए, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बच्चे ने कोई लर्निंग करी है, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे कि आप मान लीजिए मैथ्स का उसने कुछ सीखा है, ठीक है, और उसमें प्लस माइनस बच्चा करता ही है मैथ्स के अंदर, और साइंस में भी वो सारी चीज़ें होते हैं, तो वहाँ पर कैसी लर्निंग हुई आपसे ये चीज़ पूछेंगे कि वहाँ पर किस टाइप की लर्निंग हुई, ठीक है। तो आपको बताना होगा पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हुई, क्या हुई, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सारी बात करेंगे लर्निंग के अंदर। तो जो फर्स्ट इसका है, तो बात कर लेते हैं लर्निंग क्या होता है। लर्निंग आपको पता है कुछ चीज़ सीखना, और लर्निंग हम किसी भी वे में कर सकते हैं। लर्निंग हमारी फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों टाइप की हो सकती है। मतलब जब हम स्कूल में जाकर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, जो एक प्रॉपर वे होता है जिसके अंदर हमें सिलेबस मिलता है, पुस्तकें यानी कि बुक्स मिलती हैं, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें रिजल्ट्स आता है, हम क्लास पास आउट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, एक मैनेजमेंट होता है, वो होता है हमारा फॉर्मल लर्निंग, ठीक है, जो हम स्कूल्स के कॉलेजेस के अंदर सीखते हैं। इनफॉर्मल लर्निंग होती है हमारी यानी कि अनौपचारिक, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। इनफॉर्मल लर्निंग होती है जब हम स्कूल के अंदर ना जाकर अपने घर से, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पूर्वजों से, अपने मॉम डैड से, अपनी सिस्टर ब्रदर से, आसपास के एनवायरनमेंट से कोई चीज़ इनफॉर्मल वे में सीखते हैं, वो होती है हमारी इनफॉर्मल लर्निंग। जैसे हम घर से सीख लेते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चे की जो फर्स्ट एजुकेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी घर से होती है। तो घर में बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू यानी कि अनुकरण के माध्यम से अपने पेरेंट्स से चीज़ें सीखता है, कि वो क ख ग बोलना सीख जाता है, ए बी सी डी बोलना सीख जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कराना या अल्फ़ाबेट सिखाना और आगे की प्रोसेस करना, वो सारी चीज़ें हमारी स्कूल में जाके कंप्लीट होती हैं, ठीक है। जिसको एक बोल सकते हैं कि एक थप्पा लग जाता है कि आपको ये सारी चीज़ें आती है, एक डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस टाइप से लर्निंग हम करते हैं, एक फॉर्मल वे में, औपचारिक वे में और एक इनफॉर्मल वे में, ठीक है। अब जो हमारा अधिकम का स्थानांतरण होता है, अधिकम को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र हम कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं अधिगम का यानी कि लर्निंग का। हमारे तीन वेज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है ज़ीरो, ठीक है। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र, एक होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हमारा एक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हमें रिजल्ट दे दो चीज़ों के बीच में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स आप सीखते हैं तो मैथ्स के अंदर आप प्लस माइनस इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं, और उसके बाद अगर आप साइंस में केमिस्ट्री या फिज़िक्स की इक्वेशंस और वहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो वो क्या है आपका एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पॉजिटिव ट्रांसफ़र मिल रहा है कि आपने मैथ्स की जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे प्लस माइनस के, वो आप साइंस के अंदर यूज़ कर पा रहे हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में पॉजिटिव परिवर्तन,
ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने तक के लिए दोनों के बीच में जो आपस में रिलेशन है वो पॉजिटिव हो, दोनों के दोनों चीज़ें क्या हो, एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, प्लस दोनों चीज़ें पॉजिटिव यानी कि हेल्पफुल हो। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ पॉजिटिव होगी या सिमिलर होगी उतनी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव लर्निंग होगी। अब जैसे मैथ्स और साइंस का हमने इक्वेशन का कॉन्सेप्ट रख लिया, वो दोनों क्या है, जितनी ज़्यादा सिमिलर है उतनी क्योंकि वो दोनों उतनी ज़्यादा सरल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव लर्निंग होना पॉसिबल ही है। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ आ जाए, मान लीजिए मैथ्स का प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है और मैं होम साइंस पढ़ रही हूँ, तो होम साइंस के अंदर तो उसका कोई यूज़ नहीं है। होम साइंस में आपको क्या सीखना है, किचन के बारे में सीखना है, रख रखाव के बारे में सीखना है, बच्चों के बारे में सीखना है, कपड़ों के बारे में सीखना है, तो मैथ्स का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को आप आपस में कोरिलेट नहीं कर सकते। जब तक आपका कोरिलेशन में दोनों में सिमिलैरिटीज़ ही नहीं है, आपका मैथ्स और होम साइंस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए, दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र होगा, यानी कि एक चीज़ को आप दूसरे सब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हो गया आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स यानी कि नेगेटिव ट्रांसफ़र। अब आता है आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र। किसी भी चीज़ का जब कोई ट्रांसफ़र ही ना हो, मतलब ना वो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, वो होता है आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र। हाँ, लास्ट हमारा था ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो ज़ीरो ट्रांसफ़र के अंदर क्या बात आती है कि जब हमारा ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, वो होता है हमारा ज़ीरो ट्रांसफ़र। जैसे मैंने नेगेटिव के अंदर बताया आपको कि जब एक जगह से दूसरी जगह में अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को, मैथ्स के बाद हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स और हिस्ट्री का तो वैसे कोई आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक रिलेशन ये है कि मैथ्स में जब आप डिजिट्स पढ़ते हैं या काउंटिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आप सन या ईयर्स लर्न करने में आपके लिए वो वहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। तो वो चीज़ क्या आ गई, आपकी पॉजिटिव ट्रांसफ़र में आ गई। लेकिन नेगेटिव ट्रांसफ़र में कहाँ पे आएगी, जब आप वहाँ पे एरर्स पुट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए किसी बच्चे को पुट बोलना सीखना है, ठीक है, किसी बच्चे को आप पुट का मीनिंग सिखा रहे हैं कि आपको पुट बोलना सीखना है, लेकिन बट बोलना सीखना है, लेकिन स्टार्टिंग में बट की जगह बच्चा पुट 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 करता रहता है। आप बोलते हैं बच्चे बोलिए बट, लेकिन बच्चा करता है पुट, तो उसमें जो वो एरर्स आ रहे हैं, वो भ्रांतियाँ आ रही हैं, वो क्वेरीज आ रही हैं, उनको शॉर्ट आउट करने तक का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, जब वो बट से बट मतलब बट के लिए जब वो पुट बोलता है और पुट से वो बट तक जाता है, तो उसके बीच में जो ये एरर्स आते हैं ना, वो होता है हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, पॉजिटिव समझ आ गया। जब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ सीखने में आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को आप साइंस में यूज़ करेंगे तो आपके लिए वहाँ पे वो दोनों में हेल्पफुल है, तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र में जब हम किसी चीज़ का ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन बच्चे को वो एरर्स आ जाते हैं, या वहाँ पे कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो आ गया आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव लर्निंग। और ज़ीरो हो गया जब आपका ना तो नेगेटिव हो ना ही पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो। ज़ीरो ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे ना आपका नेगेटिव लर्निंग हो रही है ना आपकी पॉजिटिव लर्निंग हो रही है, मतलब दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, लाइक मैथ्स और होम साइंस। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं एग्ज़ाम में, वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि किसी क्लास में, मान लीजिए छठी क्लास के अंदर आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, और वो चीज़ जब आपने दूसरी कक्षा साइंस में पढ़ाया तो वहाँ पे भी उसके लिए वो मददगार साबित हुई, तो किस प्रकार की लर्निंग हुई, तो वहाँ पे पॉजिटिव।
नेगेटिव में आपको ऐसे ही पूछेंगे कि वहाँ पे एरर्स आए, बच्चे ने पहले गलत बोलना सीखा, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उसको सही चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने सही चीज़ अचीव कर ली, तो वहाँ पे नेगेटिव ट्रांसफ़र हो गया। और जीरो में पूछेंगे कि मान लीजिए कि छठी क्लास का बच्चा है, वो गणित के एकदम बाद होम साइंस पढ़ने लगता है, और तो वहाँ पे किस तरह की लर्निंग हुई, तो वहाँ पे तो ज़ीरो ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे आपका गणित का कॉन्सेप्ट होम साइंस में यूज़ करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अधिकम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो में। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इससे पहले हमने टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ लिए थे कि स्थानांतरण जो हमारी लर्निंग है उसका स्थानांतरण 3 टाइप से होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। अब इसमें कुछ थ्योरीज दी गई हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि जो हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो किन किन सिद्धांतों के माध्यम से की जा सकती है या क्या क्या उसके बेस्ड हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है समरूपता तत्वों का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ये वाला जो फर्स्ट सिद्धांत है ये हमारा थ्रॉनडाइक ने दिया है, ठीक है। थ्रॉनडाइक ने क्या बात बोली थी ये लर्न कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपका थ्रॉनडाइक के द्वारा दिया गया है, और आपको याद भी नहीं रहेगा क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है या वैसे नहीं है, ये एक थ्योरी का सब पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको शायद इतना ज़्यादा ध्यान ना दें कि ठीक है, आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है तो इसके 4 पार्ट हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स वो आपका थ्रॉनडाइक ने दिया है, और थ्रॉनडाइक ने क्या बोला है कि दो चीज़ों के बीच में जितनी सिमिलैरिटीज होंगी, जितनी समरूपता होगी, सम मतलब सिमिलर होगा जितना, उतना ज़्यादा हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। जब दो चीज़ें यानी कि हम जो अगर हमारा प्रीवियस नॉलेज हमारी न्यू नॉलेज में हेल्प कर रहा है, अगर हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं और वो हमारी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है, तो हमारी जो नई लर्निंग होगी ना वो बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत अच्छी होगी, और हमें सीखने में उतना ही कम टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मैथ्स में ही 2-3 कॉन्सेप्ट्स अलग अलग सीखते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सीखते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आप कहाँ पे अपनी नई लर्निंग में यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज का जो आपकी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ था वो आपने कहाँ कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये हमारा क्या हो गया, थ्रॉनडाइक के अनुसार समरूपता यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्यों बोला है कि दो तत्वों के बीच में समरूपता यानी कि सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी उतनी ज़्यादा हमारी लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर हम परसेंटेज सीख लेते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस सीखने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा, और उस कॉन्सेप्ट को ईजीली समझने के लिए हम बहुत अच्छे से रेडी होंगे। अब उसके बाद सेकेंड हमारा आता है सामान्यकरण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन। ये हमारी दी है जूड ने, ठीक है, ये हमारी दी है। जो सेकेंड पॉइंट, जो हमारा सेकेंड थ्योरी है वो दी है सामान्यकरण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन, ये हमारी जूड ने दी है। इन्होंने बोला है कि दो तत्वों के बीच में अगर बच्चा सामान्यकरण करना सीख जाता है, सामान्यकरण होता है मतलब सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बच्चे को पता होता है कि क्या चीज़ क्या है और उसको आपस में कनेक्ट कैसे करना है, कोरिलेशन कैसे स्थापित करना है, तो वो उतना ज़्यादा हम पॉजिटिव लर्निंग वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक डांसर है, ठीक है, और उसको डांसर के लिए क्या होता है, जैसे आप DID भी देखते होंगे या फिर सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स आते हैं, इंडियन आइडल वगैरह ये सब देखते होंगे, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि पहले शहर शहर जाकर एक कॉन्टेस्ट रखते हैं कि बच्चों को वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर एक सेमीफाइनल होता है, देन फाइनल होता है, तो उसके अंदर लास्ट में बस 2 ही बच्चे जाते हैं, 3 बच्चे जाते हैं, उसमें से एक फाइनलिस्ट चुना जाता है। तो इसीलिए जैसे डांसर होती है उसको फाइनल तक जाने के लिए
लिए जब वो टाइम पीरियड होता है तो उसके लिए उसको प्रॉपर तैयार किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ये नहीं कि अभी जैसे मैं कॉन्सेंट में जा रही हूँ तो जितना मुझे डांस आता है मैंने वहाँ पे जाके परफॉर्म कर दिया, अगर अच्छा हुआ तो मुझे ले लिया, अगर नहीं अच्छा हुआ तो मुझे निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जनरलाइजेशन का क्या मतलब है कि सामान्यकरण का सिद्धांत है कि जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आपको एक्सपर्ट्स के थ्रू नॉलेज दी जाएगी, बताया जाएगा, सिमिलैरिटीज़ को कनेक्ट किया जाएगा, उसका मतलब होता है कि जनरलाइजेशन करना, यानी कि सामान्यकरण करना। ठीक है, ये हमारा जोड़ने दिया था। इसके बाद आता है थर्ड हमारा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, यानी कि फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी, इसको फैक्ट्री थ्योरी भी बोलते हैं, इसका सेकंड नेम है फैक्ट्री थ्योरी। फैक्ट्री थ्योरी बेसिकली हमारे माइंड से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, जितना ज़्यादा हम चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, किसी चीज़ के बारे में डीपली घुस जाते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेटेड है, हमारी औपचारिक अनुशासन से रिलेटेड है, यानी कि फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी यानी कि फैक्ट्री थ्योरी से रिलेटेड है। तो यानी कि इस स्टेज में हमारी जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो वो ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा जितना ज़्यादा तर्क वितर्क करेगा, सोचेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उतनी ज़्यादा उसके लिए लर्निंग अच्छी होगी। अगर उसके प्रीवियस नॉलेजेस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उसके न्यू एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, उनके बारे में वो अच्छे से विचार कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है, जर्नलाइजेशन कर सकता है उनका, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है। ठीक है, लास्ट आता है हमारे आदर्शों का सिद्धांत। लास्ट आता है हमारा आदर्शों का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ आइडियल, ये हमारी बेगेल ने दी है। ठीक है, बेगले ने क्या कहा था, जो हमारा थ्योरी ऑफ आइडियल्स है, बेगले ने कहा था कि जर्नलाइजेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो हमारे आइडल्स होते हैं ना, जो हमारे आदर्श होते हैं बच्चे के ऊपर, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिकेट पसंद है और उसे क्रिकेटर बनना है, तो उसका आइडियल कौन हो गया, उसका आइडियल सचिन तेंदुलकर हो गया। ठीक है, और किसी को बहुत अच्छा सिंगर बनना है तो उसने अपना आइडल सोनू निगम को बना लिया, तो जैसा वो बिहेव करेगा, जैसे वो काम करेगा, उसका असर सबसे ज़्यादा बच्चे पर पड़ेगा। अगर सचिन तेंदुलकर कल को मान लीजिए किसी केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया या मैच फिक्सिंग वगैरह में उनका नाम सामने आया, तो बच्चे के ऊपर क्या है, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चा ये सोचेगा कि ये तो मेरे आइडल थे, इनको मैं आदर्श मानता था और इन्हीं को मैं अपना आइडियल मान के एक अच्छा क्रिकेटर लाइक इन्हीं की तरह बनना चाहता था, लेकिन अब तो ये ड्रग्स लेते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं, तो मेरे आइडियल नहीं। बच्चा एक तरह से टूट जाता है, उसके मन में नेगेटिविटी आ जाती है, तो वहाँ पे जो लर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो नेगेटिव वे में चली जाती है या ज़ीरो में चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा जर्नलाइजेशन के अकॉर्डिंग आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। आप बच्चों के सामने जैसा रिप्रेजेंट करेंगे खुद को एज अ आइडल, तो बच्चे उतना ज़्यादा आपको अपना अच्छा आदर्श मानेंगे, अपना उतना ज़्यादा आपसे सीखेंगे और समझेंगे। अगर आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव उनको दे रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेशन, तो बच्चा उतना ही उसको पॉजिटिव वे मिलेगा। जितना आप नेगेटिव देंगे तो बच्चा उतना ही नेगेटिव लेगा। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा बेगेल ने बताया थ्योरी ऑफ आइडियल्स, यानी कि आपको ऊपर बच्चे के ऊपर क्या है, सबसे ज़्यादा आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। तो आपको आदर्श क्या है, बच्चे के अकॉर्डिंग जो आइडल्स हैं, जो आदर्श हैं, उनका जो चुनाव किया जाता है। तो आपको अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं या ऐसी चीज़ हैं कि बच्चों के सामने आपको बच्चों की लाइफ से ऑलवेज कनेक्टेड रहना है, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे आप टीचर हैं, तो एज ए टीचर भी आप किसी ना किसी के आइडल ही होंगे, क्योंकि आप उनको कुछ ना कुछ लर्निंग करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। आप वहाँ पे उनके साथ क्यों कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप उनको कुछ सिखाने के लिए मां गए हैं। अगर आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं बच्चों के सामने खड़े होके, ड्रिंक कर रहे हैं या अब्यूसिंग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चे भी यही सारी चीज़ें आपसे अचीव करेंगे, और बच्चे कल को अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ यही सारी चीज़ें
करेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, एज अ आइडियल और एक आदर्श के रूप में आप वहाँ पे सही साबित नहीं होंगे। तो ये चार थ्योरीज थी, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने अभी से पहले बात करी थी अधिगम का जो स्थानांतरण है यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, उसके थ्री टाइप्स थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव वो होता है जब एक दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं और एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है, या फिर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प कर रहा है। जैसे आपने परसेंटेज सीखा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प कर रहा है। नेगेटिव जो आपको एरर्स आते हैं उनको शॉर्ट आउट करते हुए जब आप अपने अचीविंग गोल तक पहुँचते हैं, वो आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र हो गया। और ज़ीरो जहाँ पर आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आता, आपको किसी प्रकार की लर्निंग वहाँ पर नहीं होती है, वो आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गई। उसके बाद आती है थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कुछ सिद्धांत दिए गए थे, पहला है समरूपता का सिद्धांत यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स का सिद्धांत, जो हमारा थ्रॉनडाइक ने दिया है, नाम ज़रूर याद रखिएगा थ्रॉनडाइक ने, जिसमें सिमिलैरिटीज़ और वही बात कही गई है। दूसरा आता है जनरलाइजेशन, जो हमारा जूड ने दिया है, उन्होंने बोला था कि जनरलाइजेशन दो कॉन्सेप्ट के बीच में जितना अच्छा कोरिलेशन आप स्थापित करेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव लर्निंग होगी। उसके बाद आता है फॉर्मल डिसिप्लिन, यानी कि बच्चा जितना ज़्यादा खुद सोचेगा, मंथन करेगा, चिंतन करेगा, तर्क वितर्क करेगा, अपने विचार प्रस्तुत करेगा, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव लर्निंग बच्चे को हेल्पफुल होगी सीखने में। और उसके बाद आता है आइडियल्स लर्निंग, यानी कि बेगेल ने दिया था कि बच्चों के ऊपर जनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग आइडियल्स का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कि अपने आदर्श जो आपके सामने आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आपने अपना आदर्श चुनाव किया हुआ है, अगर वही आपके सामने अच्छा बिहेव नहीं करेंगे और एक प्रॉपर वे में नहीं रहेंगे तो आप भी वही गलत चीज़ें अचीव करेंगे। तो हमारी ये वाली लास्ट थ्योरी थी, इसके बाद शायद एक थ्योरी और रह जाएगी, बंडूरा की थ्योरी, तो मैं वो वाली एक्सप्लेन कर दूंगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, डोंट वरी, और ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, हार्डली 10 और 15 मिनट्स की होगी, बट उसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो डीपली हमें पढ़नी थी सारी थ्योरीज़, वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद जो हम अपने चैप्टर्स और जो पेडागोजी की पॉलिसीज़ हैं और जो धाराएं और आर्टिकल्स वगैरह दी गए हैं, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।